Param Pujyapad, Srimad Swami Narasimhananji Maharaj, Srimad Swami Atmashraddhananji Maharaj, Srimad Swami Vedanishthananji Maharaj, Adarniya Dr. Sunita Singh Sen Guptaji, Upasthit Pujya Sanyasi Vrind, Devyon Sajjano, Tatha is Rashtriya Sangosthi mein bhaag lene wale Pratibhagiyon. Jaisa ki aapne suna, aaj mere vaktavya ka vishya hai Swami Vivekananda ke Chicago vaktavya ka prabhav. Purv ke vaktaon se आपने शिकागो धर्म महासभा के आयोजन की पृष्ठभूमि जान ली कि अमेरिका के स्थापना के 400 वर्ष के उपलक्ष में जो आयोजन हुआ था उसका एक अंग शिकागो धर्म महासभा था. विस्तार से इस सेमिनार के कीनोट एड्रेस में उसके संबंध में बताया गया. इस धर्म महासभा जिन कारणों से आयोजित हुई उसकी विशद चर्चा की गई, वो औपचारिक कारण थे. पर उसका अनौपचारिक कारण था स्वामी विवेकानंद के महत्व को और भारतीय संस्कृति के महत्व को प्रतिष्ठापित करना. स्वामी विवेकानंद के लिए ही वह धर्म महासभा आयोजित की गई थी. और यह बात सुनने में कुछ अटपटी भले लग सकती है, पर ऐसा भविष्य कथन स्वामी विवेकानंद ने ही किया. अपने शिकागो प्रस्थान के लगभग डेढ़ महीने पहले उन्होंने अपने गुरु भाई स्वामी तुरियानंद जी से कहा, हरि भाई, ये जो शिकागो धर्म महासभा के संबंध में जो कुछ भी तुम सुन रहे हो ना, ये सब मेरे लिए आयोजित की जा रही है, बाद में सब देखोगे. और बाद में हम देखते हैं कि शिकागो धर्म महासभा में केवल स्वामी विवेकानंद ही प्रमुख रूप से उभर कर आए. तो यह जो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि यह धर्म सभा मेरे लिए आयोजित की जा रही है, उसके आयोजन के पहले स्वामी विवेकानंद ने यह घोषणा कर दी थी, यह बात बिल्कुल सत्य प्रतीत हुई. एक दूसरी महत्वपूर्ण घटना का मैं उल्लेख कर देना चाहूँगा. उस समय स्वामी विवेकानंद परिव्राजक के रूप में त्रिवेंद्रम में प्रोफेसर के सुंदर राम अय्यर के यहाँ अतिथि के रूप में रुके हुए थे. वार्तालाप के दौरान स्वामी जी ने प्रोफेसर अय्यर से बताया कि मैसूर के महाराजा ने उनको अनुरोध किया है कि वे शिकागो धर्म महासभा में जाएं और भाग लें. प्रोफेसर अय्यर स्वामी विवेकानंद की प्रतिभा से बहुत प्रभावित थे और वे त्रिवेंद्रम में स्वामी विवेकानंद का एक सार्वजनिक व्याख्यान आयोजित करने के इच्छुक थे. स्वामी जी से उन्होंने अनुमति मांगी, किंतु स्वामी जी ने अनुमति नहीं दी. स्वामी जी ने कहा कि मुझको ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर वक्तव्य देने का अनुभव नहीं है, यदि आप मेरा भाषण ऐसा आयोजित करेंगे तो निश्चित रूप से मैं उपहास का पात्र बनूंगा. इस पर प्रोफेसर अय्यर ने स्वामी जी से पूछा, जब आपकी यहाँ ऐसी स्थिति हो रही है तो उस शिकागो धर्म महासभा में जहाँ पर हजारों प्रबुद्ध श्रोता अमेरिका और दुनिया के रहेंगे, उन श्रोताओं का सामना आप कैसे कर पाएंगे? और तब स्वामी जी ने बिल्कुल निसंकोच उत्तर दिया कि यदि प्रभु की ऐसी इच्छा है, ईश्वर की ऐसी इच्छा है कि मुझे हिंदू धर्म का प्रवक्ता बनाकर वहाँ पर भेजे,
तो वो शक्ति भी मुझको देगा। प्रोफेसर अय्यर स्वामी जी के इस मंतव्य से सहमत नहीं हुए, उनको स्वामी जी का यह उत्तर टालने जैसा लगा। प्रोफेसर अय्यर ने कहा कि मैं ऐसे किसी ईश्वरीय हस्तक्षेप पर विश्वास नहीं करता। यह सुनकर स्वामी जी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने कहा, भले ही आप कट्टर हिंदू हैं किंतु ईश्वर की शक्ति पर आप विश्वास नहीं करते। तो ईश्वर की शक्ति को लेकर स्वामी विवेकानंद शिकागो धर्म महासभा में गए थे और जैसा कि उन्होंने पहले बताया स्वामी तुरीयानंद जी को कि यह धर्म महासभा केवल उन्हीं के लिए आयोजित की गई है। उसका परिणाम हम देखते हैं कि वह धर्म महासभा उन्हीं के लिए आयोजित की गई थी। आप सब ने सुना धर्म महासभा के आयोजन की पृष्ठभूमि। 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। 1892 में अमेरिका की खोज के 400 वर्ष पूर्ण हुए। इस 400 वर्ष पूर्ण होने को अमेरिका बहुत महत्व के साथ मनाना चाहता था। एक ऐसा आयोजन करना चाहता था जो विश्व के इतिहास में पहले कभी कहीं नहीं हुआ हो। विश्व संस्कृति के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। वह पहला अवसर था जब विश्व के लोगों ने धर्म के यथार्थ तत्व को स्वामी विवेकानंद के मुख से सुना। उस धर्म महासभा में विभिन्न धर्मों के लोग विद्यमान थे, पर वहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म की महिमा का ऐसा अद्भुत आख्यान किया कि सारा विश्व हिंदू धर्म की महिमा से सम्मोहित हो उठा। विश्व के लोग हिंदू धर्म की महिमा से परिचित तो हुए, पर इसका भारत में एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा कि भारत के लोगों को भी अपनी महनीय अस्मिता का ज्ञान हुआ। शताब्दियों से गुलामी में पड़े रहने के कारण वे अपने उस महान आध्यात्मिक शक्ति के विश्वव्यापी प्रभाव को भूल चुके थे। उन्हें बहुत दीनता और हीनता का अनुभव हो रहा था। विश्व के रंगमंच पर भारत की प्रतिष्ठा एकदम नसनाबूत हो गई थी। अमेरिका और यूरोप के देशों में भारत के संबंध में वहाँ की प्रवेशिकाओं में बहुत गलत पाठ पढ़ाया जाता था। अमेरिका और यूरोप के देशों के लिए भारत एक सपेरों का देश था, जादूगरों का देश था। वह एक ऐसा असभ्य देश था जहाँ जगन्नाथ के रथ के पहिए के नीचे लोग आत्महत्या कर लेते थे, जहाँ स्त्रियों को बलपूर्वक जला दिया जाता था। ऐसी अनेक प्रकार की भ्रामक धारणाएँ भारत के संबंध में फैलाई जा रही थी। स्वामी विवेकानंद ने अपने वक्तव्य के माध्यम से उन सभी धारणाओं का खंडन किया। और एक सबसे बड़े दुख की बात उस समय यह रही कि उस समय जितने भी समाज सुधारक विदेश गए, उन सब ने ब्रिटिश सल्तनत की प्रशंसा की कि वे असभ्य भारत को सभ्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की महिमा का गान किया। वे यह मानने के लिए तैयार नहीं थे कि गरीबी के अतिरिक्त भारत में और किसी प्रकार का दोष है। अकेले वो भारत की महिमा, भारत की अस्मिता के लिए लड़ते रहे। कोई भी यदि भारत के संबंध में थोड़ा भी कुछ भी कहता, स्वामी जी उस पर बरस पड़ते। और इस प्रकार वह अकेला सन्यासी, जैसे हनुमान जी अकेले लंका में थे, राक्षसों का सामना कर रहे थे और राम की शक्ति का प्रचार कर रहे थे, वैसे स्वामी विवेकानंद अकेले अमेरिका में भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के प्रचार के लिए संलग्न रहे और आज दुनिया में भारतीय संस्कृति और भारतीय आध्यात्मिकता के क्षेत्र में जो सम्मान दिखाई दे रहा है, उसमें स्वामी विवेकानंद का मानो रक्त सिंचन है। स्वामी विवेकानंद की प्राण शक्ति है। आज विश्व में जो हिंदू धर्म का सम्मान है, भारतीय संस्कृति का सम्मान है, उसमें स्वामी विवेकानंद की शक्ति ही प्रवाहित हो रही है। आप सभी जानते हैं कि 11 सितंबर को स्वामी विवेकानंद ने अपना पहला वक्तव्य दिया। 5 मिनट 4 मिनट के वक्तव्य में वे विश्व प्रसिद्ध हो गए। अपने संबोधन मात्र से उन्होंने विश्ववासियों को अभिभूत कर दिया।
उस पहले संक्षिप्त वक्तव्य में उन्होंने हिंदू धर्म की महानता का आख्यान किया। स्वामी विवेकानंद ने बताया, हिंदू धर्म की महिमा को प्रतिपादित करते हुए स्वामी विवेकानंद ने कहा, मुझे ऐसे धर्मावलंबी होने का गौरव है जिसने संसार को सहिष्णुता और सब धर्मों को मान्यता प्रदान करने की शिक्षा दी है। हम लोग धर्मों के प्रति केवल सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं करते, वरन समस्त धर्मों को सच्चा मानकर स्वीकार करते हैं। स्वामी जी ने कहा, मुझे ऐसे धर्मावलंबी होने का गौरव है जिसकी पवित्र भाषा संस्कृत में अंग्रेजी के शब्द एक्सक्लूजन का कोई पर्यायवाची नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस समय यहूदियों के पवित्र मंदिर रोमन जाति के अत्याचार से धूल में मिला दिए गए थे, उस वर्ष कुछ अभिजात यहूदी दक्षिण भारत में आए और हमारे लोगों ने उसे शरण दी। संसार की समस्त पीड़ित और प्रताड़ित जातियों को इस भारतवर्ष ने, हिंदू जाति ने संरक्षण दिया है, ऐसा उद्घोष स्वामी विवेकानंद ने किया। और स्वामी विवेकानंद के वक्तव्यों का यह प्रभाव हुआ कि हिंदू धर्म मानो सर्वश्रेष्ठ धर्म वहाँ पर प्रतिष्ठित हो गया, सर्वत्र हिंदू धर्म की महिमा गाजे जाने लगी। स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के सर्वधर्म संभाव के सिद्धांत को वहाँ पर प्रचारित किया। एक बहुत सुंदर बात स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मैं आज तक के सभी धर्मों को स्वीकार करता हूँ, उनके साथ में उनकी उपासना भी करता हूँ, चाहे वे किस रूप में ईश्वर की उपासना क्यों न करते हों। मैं मुसलमानों के मस्जिदों में जाऊँगा, मैं ईसाइयों के गिरजाघर में जाकर क्रूस के सम्मुख घुटने टेक कर प्रार्थना करूँगा, मैं भगवान बुद्ध और उनकी शिक्षाओं की शरण लूँगा, मैं जंगलों में जाकर ध्यान करूँगा हिंदुओं के साथ जो उस अद्वैत ब्रह्म तत्व के साक्षात्कार करने में संलग्न है। सभी धर्मों की श्रेष्ठता का आख्यान स्वामी जी ने किया। स्वामी जी ने हिंदू धर्म को विश्व धर्म के रूप में प्रतिष्ठापित किया। 19 सितंबर का उनका वक्तव्य जो पहले भी उद्धृत किया जा चुका है पूर्व के वक्ताओं के द्वारा, उसमें स्वामी जी ने हिंदू धर्म को विश्व धर्म के रूप में प्रतिष्ठित किया। देखिए, स्वामी विवेकानंद तो सर्वधर्म संभाव के पक्षपाती थे, पर हिंदू धर्म को महत्व देने का एकमात्र कारण यही था कि हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म था या ऐसा धर्म है जहाँ पर सभी प्रकार के विचार वाले व्यक्ति अपने अपने मानसिक संरचना के आधार पर संतोष प्राप्त कर सकते हैं, या हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जहाँ पर आस्तिकों के लिए भी स्थान है, नास्तिकों के लिए भी स्थान है, ईश्वरवादियों के लिए स्थान है तो अनिश्वरवादियों के लिए भी स्थान है, मूर्ति पूजकों के लिए भी स्थान है तो मूर्ति पूजा के विरोधियों के लिए भी स्थान है। तो सभी प्रकार की मानसिक संरचना वाले व्यक्ति इस धर्म में संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए स्वामी जी ने अपने एक वक्तव्य में कहा कि भले ही आज हिंदू अपनी समस्त धार्मिक योजनाओं को कार्य करने में असफल रहा हो, कार्य रूप में परिणित करने में असफल रहा हो, किंतु भविष्य में कोई विश्व धर्म जैसा धर्म होगा तो वह हिंदुत्व के समान होगा, जो किसी काल और सीमा से आबद्ध नहीं होगा और जिसके सूर्य का प्रकाश कृष्ण और ईसा के अनुयायियों पर, पैगंबर और बुद्ध के अनुयायियों पर एक साथ पड़ेगा, जो न तो जैन होगा, न बौद्ध होगा, न पारसी होगा, न ईसाई होगा, प्रत्युत वह इन सब के सामंजस्य से उत्पन्न होगा। और ऐसा धर्म, ऐसी योग्यता रखने वाला धर्म हिंदू धर्म ही है जहाँ पर सभी प्रकार के प्रवृत्तियों को स्थान है। तो इस प्रकार स्वामी जी ने हिंदू धर्म की महत्ता को प्रतिष्ठापित किया। और फिर 27 सितंबर को स्वामी जी ने विश्व को एक अनमोल सीख दी। स्वामी जी ने कहा कि हिंदू को बौद्ध अथवा ईसाई नहीं हो जाना चाहिए, बौद्ध अथवा ईसाई को हिंदू नहीं हो जाना चाहिए, किंतु प्रत्येक को चाहिए कि वह दूसरों की भावना का सम्मान करते हुए अपने आप को सुरक्षित रखे और फिर विकास के नियमों के आधार पर अपना विकास करे। इस धर्म महासभा ने संसार को यदि कुछ बतलाया है तो यह इतना
किसने है प्रतिपादित कर दिया है कि दयालुता, शुचिता, पवित्रता ये किसी धर्म विशेष की, किसी संप्रदाय विशेष की धरोहर नहीं है। प्रत्येक धर्म ने श्रेष्ठतम महापुरुषों को जन्म दिया है। इस प्रत्यक्ष प्रमाण के बावजूद यदि कोई धर्म अपनी ही श्रेष्ठता की बात कहता है तो मैं उसकी बुद्धि पर तरस खाता हूँ और उनके समस्त प्रयासों के बावजूद उन्हें बता देता हूँ कि भविष्य में प्रत्येक धर्म की पताका पर लिखा रहेगा, सहायता करो, लड़ो मत, पर धर्म सद्भाव न कि पर धर्म विनाश। तो इस प्रकार स्वामी जी ने हिंदू धर्म के महत्व को प्रतिपादित किया और भारतवासी जब स्वामी जी की जय जयकार वहाँ पर देखे और सुने, अपने धर्म के प्रति भी उनके मन में बहुत श्रद्धा और भक्ति जागृत हुई। देखिए, स्वामी जी जब अमेरिका में बोल रहे थे तो कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा था। वस्तुतः भारत माता अपने आध्यात्मिकता के महान संदेश को उस भौतिकवादी अमेरिका के लोगों के सामने शब्दों के रूप में प्रवाहित कर रही थी। 30 वर्षीय युवा सन्यासी ने वहाँ पर घोषणा की, आई हैव अ मैसेज फॉर द वेस्ट एज बुद्धा हैड मैसेज फॉर द ईस्ट। स्वामी जी ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है, तुम लोगों के पास विज्ञान और तकनीकी है, तुम लोग बहुत समृद्ध हो, पर क्या यही जीवन का परम लक्ष्य है? क्या भोग ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है? स्वामी जी ने कहा कि भोग हमारे जीवन का परम लक्ष्य नहीं है, हमारे जीवन का परम लक्ष्य है सत्य की अनुभूति करना, निम्नतर सत्य से उच्चतर सत्य पर प्रतिष्ठित होना। स्वामी जी ने पाश्चात्य देश के लोगों को चेतावनी दी थी, उन्होंने कहा था मैं देख रहा हूँ यह जो सारी पाश्चात्य सभ्यता है वह ज्वालामुखी के कगार पर खड़ी है और आगामी 20 वर्षों में वह ध्वस्त हो सकती है। 1894-95 में स्वामी जी ने यह बात कही और 20 वर्षों के होते न होते हम लोगों ने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ, फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और आज हम सब तृतीय विश्व युद्ध की विभीषिका में जी रहे हैं। और यदि तृतीय विश्व युद्ध हुआ तो निश्चित मानिए आज तक का एकत्रित किया गया मानव संस्कृति का सारा सौंदर्य उस एक युद्ध में नष्ट हो जाएगा। स्वामी जी ने भारतीय संस्कृति के संदेश को बताने की चेष्टा की। उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जो धर्म, जाति, प्रांत, भाषा इसके आधार पर मनुष्य और मनुष्य में भेद नहीं करता, वह तो वसुधैव कुटुंबकम की बात कहता है, वह यत्र भवति विश्वैक नीडम का स्वप्न देखता है, जहाँ सारा विश्व एक कुटुंब बन जाता है। जिस समय ये विदेशी लोग जंगलों में जानवरों की भांति रहते थे, बंदरों की भांति रहते थे, उस समय हमारे देश में ऋषियों के द्वारा इस देश के आकाश में वेद की वाणी गूंजा करती थी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो ऐसे विश्व भ्रातृत्व का संदेश स्वामी विवेकानंद ने सारे पाश्चात्य के देश के लोगों को दिया और भारतीय संस्कृत की महिमा को प्रतिष्ठापित किया। और पुनः मैं यह उल्लेखित करना चाहूँगा कि आज विश्व के रंगमंच पर भारत को जो प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है उसके पीछे स्वामी विवेकानंद की शक्ति शत शत रूपों में प्रकाशित हो रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वचनों को विराम करता हूँ, विराम देता हूँ। मैं आभारी हूँ पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज का कि उन्होंने मुझे यह सुंदर अवसर दिया, और आप सब के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करना मैं अपना पुनीत कर्तव्य समझता हूँ कि आप सब ने मुझे सुना, उत्साहित किया। धन्यवाद, आप सबको धन्यवाद।